हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी, वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा शेयर बताने जा रही हूँ जिसमें आप एक शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं एंड आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। शेयर का नेम है रेल विकास निगम लिमिटेड एंड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है शेयर से रिलेटेड, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो शेयर का नेम बता दिया मैंने आपको, रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL भी कहते हैं इसे। 123.20 पे शेयर प्राइस चल रहा है, आज भी 1.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर बात करें इसके 52 वीक हाई की तो वो है 144 रुपीस के आसपास एंड इसका 52 वीक लो है 29 रुपीस के आसपास। तो शेयर अभी अपने 52 वीक लो के ही आसपास मूव कर रहा है। 20% का बैंड है सेबी की तरफ से फॉर द अपर एंड द लोअर सर्किट। मार्केट कैप बहुत अच्छा है, 25,687 करोड़ का। टर्नओवर है 15 करोड़ के आसपास का और फेस वैल्यू है 10 रुपीज। फ्रेंड्स, फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊंगी। EPS मिल रहा है 6.08, PE मिल रहा है 20, ROE मिल रहा है 20। एंड कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है आपको नेम से पता लग रहा होगा, सिविल कंस्ट्रक्शन। तो गुड न्यूज़ क्या है, इनको बहुत बड़े ऑर्डर मिले हैं एंड ये एक बहुत अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आप देखिए इनका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आया है, 345 करोड़ का प्रॉफिट आया मार्च क्वार्टर में। दिसंबर में है 341 करोड़ का प्रॉफिट। एनुअली कंपनी 1,267 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है और प्रॉफिट में जंप भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इस शेयर की प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितनी शानदार है, 78.20% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 21.80%। तो गुड न्यूज़ क्या है जिस वजह से शेयर आपको रिटर्न दे सकता है अच्छा, तो फ्रेंड इनको दो बड़े ऑर्डर मिले हैं। पहला ऑर्डर मिला है इन्हें मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए और उसका कितने का वो ऑर्डर मिला है, 4,058 करोड़ का। और दूसरा ऑर्डर मिला है इन्हें सब स्टेशन बनाने का और उसकी वैल्यू है 281 करोड़ की। तो दो ऑर्डर जो मिले हैं उनका टोटल वैल्यू है 4,300 करोड़ का। तो आप सोचिए कितना बिग ऑर्डर मिला है इन्हें एंड इसकी वजह से शेयर में हमें एक जंप देखने को मिल सकती है। अब प्रमोटर होल्डिंग तो आपने देख ली कि बहुत ही अच्छी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि शेयर में FII DII भी है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी है, ये बनी थी 2003 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है ये रेलवे का। इनका ROCE देखिए 17.8% पॉजिटिव में मिल रहा है, ROE मिल रहा है 20.7%, बुक वैल्यू है इनकी 35 रुपीज। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट बहुत अच्छे हैं, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स एंड कंपनी ने अपना हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी 32.2% मेंटेन कर रखा है। तो देख लीजिए फिर, अब चलते हैं सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी है ही 78.20%, लेकिन इस शेयर में है FII भी विथ 1.53% होल्डिंग एंड DII भी है विथ 6.51% होल्डिंग। तो आप देखिए FII भी है, DII भी है और प्रोमोटर भी बहुत अच्छे हैं। और जो ये ऑर्डर मिला है 4,300 करोड़ का, तो ऑर्डर मिले हैं तो इस बात से शेयर में एक बहुत अच्छी जंप हमें देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड शेयर नोट डाउन कर लीजिए, एक रिटर्न बन सकता है अच्छा शॉर्ट टर्म में रेल विकास निगम लिमिटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट रेल विकास निगम लिमिटेड शेयर। वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड सबसे पहले खुद से रिसर्च करना है अच्छी तरह, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। चैनल को किया फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।